हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट एग्जाम इन 2002। द क्वेश्चन इज इफ द इनपुट ऑफ द डिजिटल सर्किट ऑफ द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ अ कैस्केड ऑफ 20 XOR गेट्स इज एक्स, देन द आउटपुट वाई इज इक्वल टू। मतलब यहाँ पर डायग्राम में तो यहाँ पर चार ही एग्जॉर गेट दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे उन्होंने 20 एग्जॉर गेट लगाए हैं, ठीक है। तो आपको इसका आउटपुट वाई बताना है क्या होगा, और इसका एक इनपुट फर्स्ट एग्जॉर गेट का एक इनपुट वन है और दूसरा इनपुट एक्स है, और यही एक्स दूसरे एग्जॉर गेट का एक इनपुट बना है, और दूसरा इनपुट जो है वो फर्स्ट एग्जॉर गेट का जो आउटपुट आया है वह एक इनपुट है, ठीक है। इस तरह से आगे इस तरह से चलते जा रहा है ना। अब इसको हम समझेंगे। आपको एग्जॉर गेट का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। ए बी इनपुट हो जिनकी वैल्यू 0001 1011 हो सकती है, तो एग्जॉर गेट का आउटपुट जब सेम इनपुट होते हैं दोनों तब 0 होता है, और जब एक की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू 1 हो तब 1 होता है ना। ये टेबल आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अब ये पहला इनपुट तो 1 है, अब एक्स दूसरा इनपुट एक्स है, तो एक्स की दो वैल्यूज ले सकते हैं हम, या तो 0 या 1। तो पहले हम 0 लेते हैं अगर एक्स की वैल्यू 0 हो। तो अब यहाँ पर आपका इनपुट गया 0 और यहाँ पर 1, और 0 और 1 पर एक्सॉर गेट 1 देता है आउटपुट, तो यहाँ पर आउटपुट आया 1, यहाँ पर आउटपुट आया 1, और यहाँ पर फिर से गया आपका 0, तो यहाँ पर 1 और 0 से आपका आउटपुट फिर से कितना आएगा 1। और इसी तरीके से आप 1010 कॉम्बिनेशन करके 20 एग्जॉर गेट लगाने के बाद भी आपका आउटपुट 1 आने वाला है। मतलब वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, आपका वाई इज इक्वल टू 1 अगर एक्स की वैल्यू आपकी 0 हो तो। अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या लेते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर ये दोनों आपके क्या हो गए, ये भी वैल्यू 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 हो गई। जब दोनों 1 होते हैं तो आपका एग्जॉर गेट का आउटपुट 0 होता है। तो ये दोनों जब 1 होंगे तब यहाँ पर आउटपुट इंस्टेड ऑफ 1 0 हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट एग्जॉर गेट का एक इनपुट 0 हो गया और दूसरा क्या हुआ है, दूसरा इनपुट आपका एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ पर हमने सेकंड केस लिया है 1 का, तो एक्स की वैल्यू अब 0 नहीं है, अब एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 0 के कारण आपका आउटपुट फिर से 1 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पर 1 गया, यहाँ पर एक्स गया, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 1 आता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि जब ये इवन होते हैं तब आउटपुट 1 आ रहा है, जब ऑड होते हैं तब आउटपुट 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे 20 एग्जॉर गेट है तो इवन गेट है, इवन एग्जॉर गेट्स हैं, तो इसलिए आउटपुट हमेशा वाई इज इक्वल टू 1 आने वाला है। तो वाई की वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए तो आसान है क्योंकि ये वाई की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन एक्स इज इक्वल टू जब 1 लेते हैं तब पहले गेट में तो आउटपुट, पहले एग्जॉर गेट में तो आउटपुट 0 आएगा, और दूसरे एग्जॉर गेट में आउटपुट 1 आएगा, थर्ड एग्जॉर गेट में फिर से 0 आएगा। मतलब सारे ऑड नंबर ऑफ एग्जॉर गेट का आउटपुट 0 आएगा, और इवन नंबर के एग्जॉर गेट का आउटपुट 1 आएगा। और यहाँ पर चूंकि 20 एग्जॉर गेट्स दिए हैं, मतलब इवन दिए हैं, इसलिए आपका आउटपुट 1 ही आने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।